अभिलेख शास्त्र एवं पांडुलिपि विज्ञान पर मिरांडा हाउस राजधानी महाविद्यालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित इस संयुक्त 7 दिवसीय कार्यशाला में जितने भी प्रतिभागियों ने यहां पर पंजीकरण किया है, मुझे बताया गया कि 260 से अधिक प्रतिभागियों ने यहां पर पंजीकरण किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सब आत्मप्रेरणा से यहाँ पर इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कार्यशाला में भाग लेना सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बहुत मिल जाएंगे, हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आप आज ही शाम को सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 7 दिन भी अपने खराब मत कीजिएगा। ये थोड़ा क्रांतिकारी सा कदम लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो सर्टिफिकेट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जब मैंने सुना कि 260, हालांकि इस अभी हॉल में 260 तो नहीं नजर आती, लेकिन अगर 260 में से 200 भी लोग यहाँ हैं या 200 से भी कम है, 100 भी हैं, तो मेरे लिए वो 100 लोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही है। आपका HRDC में एक रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स जो भी हो, हिस्ट्री के प्राध्यापकों का था, 250 से ज्यादा प्राध्यापक हिस्ट्री के थे, और उसके समापन के अवसर पर मुझे भाषण देने बुलाया गया। तो चूंकि मेरा विषय अब कला केंद्र और संस्कृति के कारण से ये भी है कि पांडुलिपियों के विषय में मैं उन्हें बताऊं, तो बहुत सारी बातें मैंने उन्हें बताई। मैंने उन्हें कहा कि ये मैनुस्क्रिप्टोलॉजी है, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है, पैलियोग्राफी है, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है, एपिग्राफी है, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है, न्यूमिस्मेटिक्स है, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो जब ये भाषण समाप्त हो गया तो चाय के दौरान लगभग उसमें से 50% प्रतिभागियों ने ये कहा कि अगर आप इस कार्यशाला के उद्घाटन में आते तो शायद हमारी दृष्टि और खुल जाती, क्योंकि हमें हमारे इतिहास अध्ययन के दौरान इन सब विषयों से कभी परिचित कराया ही नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इतिहास पढ़ते हैं, यानी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन खांचों में पढ़ के इतिहास की इतिश्री हो जाती। मैं भी स्वयं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी हमारे MA के दौरान इन सभी विषयों से कभी साक्षात्कार नहीं किया, हमें कराया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। हम में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत में जो पांडुलिपियों का भंडार है वो विश्व में सबसे ज्यादा है? उनमें से कितने लोगों को मालूम है कि जितनी पांडुलिपियां अकेले भारत में हैं उतनी पांडुलिपियां पूरे यूरोप में मिलाकर भी नहीं? हम में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत में पांडुलिपियों का भंडार एक मोटे अनुमान के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा का है? पर फिर भी हमें इस बात पर गर्व नहीं होता क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है क्योंकि हमारी चेतना को कभी इस दिशा पे मोड़ा ही नहीं गया। ये भी बात जाने दीजिए, आप लोग सब विद्वान हैं, मैं आपसे नहीं पूछता, पर आप इस कमरे से बाहर जाकर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पांडुलिपि किसे कहते हैं ये पूछ लीजिए, 10 में से 7 लोग शायद आपको गलत उत्तर देंगे, क्योंकि उन्हें पांडुलिपि क्या होता है यही नहीं मालूम है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की परिभाषा क्या है यही नहीं मालूम है, मैन्युस्क्रिप्ट के पैरामीटर्स क्या है यही नहीं मालूम है। हम कितने बड़े अंधकार में जी रहे हैं, सिर्फ इस बात को मैं आपकी तरफ दिखाना चाहता हूँ। या अभी अनिर्बान दास जी भाषा और लिपि के बारे में बता रहे थे, 50% विद्यार्थी भाषा और लिपि के बीच का अंतर आपको नहीं बता सकते। मैं शिक्षकों पे कमेंट नहीं कर रहा हूं सर लेकिन विद्यार्थी तो 50% भाषा और लिपि में अंतर नहीं बता सकते। आप अंग्रेजी लिखते हैं तो आप भाषा लिखते हैं कि लिपि लिखते हैं? आप हिंदी लिखते हैं तो भाषा लिखते हैं कि लिपि लिखते हैं? आप संस्कृत लिखते हैं तो भाषा लिखते हैं कि लिपि लिखते हैं? तमिल है तो तमिल में लिपि है कि भाषा है? किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं। इस संबंध में हमने कभी विद्यार्थियों की चेतना का विकास ही नहीं किया, क्योंकि ये विषय हमारी दृष्टि से ऐसा लगा कि महत्वपूर्ण नहीं है, गौण है, इसलिए हमने उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। और इसलिए ये हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई
मैकेनिज्म, कोई यंत्रणा ही विकसित नहीं हुई कि हम विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रशिक्षित कर सकें, प्रबोधित कर सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें बता सकें। आज अगर आपके पास विश्व में पांडुलिपियों का सबसे ज्यादा बड़ा भंडार है तो ये गर्व की बात है, ये जानने का भी हमारे अंदर कोई उत्साह जागृत नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमारी समूची इस यंत्रणा का दोष है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो उस यंत्रणा को जागृत भी तो करना होगा हमें। क्या हमें मालूम है कि 300 से ज्यादा लिपियों में पांडुलिपियां हमारे पास उपलब्ध थी? क्या हमें मालूम है कि 30 से ज्यादा ऐसे प्रकार हैं जिस पर मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि लिखी जा सकती है? अगर आपको कहा जाए पांडुलिपि तो आपको सिर्फ भोजपत्र मालूम है या ब्रजपत्र मालूम है या बहुत हुआ तो कागज मालूम है या और दो चार बताएंगे, पर 30 से ज्यादा माध्यमों में पांडुलिपियां भारत में उपलब्ध है, ये हम में से कितने लोगों को मालूम? ये ज्ञान का कितना बड़ा भंडार और ज्ञान की कितनी बड़ी विरासत और कितनी विविधता हमारे पास हमारे इस देश में उपलब्ध है, ये एक जन सामान्य की चेतना में कहीं भी नहीं। इसलिए होता क्या है कि जन सामान्य को लगता है कि पुरानी किताब है, काम की नहीं है, फेंक दो। और ये आपका दोष नहीं है, बहुत बड़े और पढ़े लिखे विद्वानों के घर में मैंने देखा है कि जब घर में जगह नहीं होती तो घर में जगह करने के लिए पहली जो कुल्हाड़ी है वो किताब की अलमारी पर गिरती है कि किताब की अलमारी फालतू इसे फेंक दिया जाए। और इसलिए पता नहीं हमने कितनी महत्वपूर्ण सामग्री अपने देश की स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर दी। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण किताबें, ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री, दुर्लभ पुस्तकें लोगों ने कौड़ी के मूल रत्ती के भाव बेच दी। और ये दुर्भाग्य है, उसके बावजूद इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। आप जब हमारे यहाँ पाठ्यक्रम करने आई थी स्वस्ति, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से एक सज्जन पांडुलिपियों के पोर्टले लेके आए थे, उनके पास 10,000 पांडुलिपियां थी और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है हमने इस पांडुलिपियों को कैसे बचा के रखा है। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास सारे खतरे हैं, जम्मू कश्मीर की स्थितियां उन दिनों और भी खराब थी, और हमारे पास सारे खतरे होने के बावजूद ये भंडार, ज्ञान का भंडार मैंने बचा के रखा कि आप लोग इसका कुछ कर दें। वो पोर्टली में 10,000 करीब पांडुलिपियां लेके आए। मेरे पास वियतनाम से एक व्यक्ति आए, चाम संस्कृति के व्यक्ति हैं, चाम लोग वो लोग हैं जो वहां के वियतनाम के मूलतः हिंदू लोग हैं और वहां पर पूरी की पूरी हिंदी संस्कृति और संस्कारों को वो परंपरा से करते आए। वहां कोई यहां से जाकर किसी ने हिंदू धर्म का प्रचार करके या धर्मांतरण की नहीं, वहां परंपरा से वो लोग हैं और वो अपनी पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखे हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अभी उनके साथ मिलकर चाम पांडुलिपियों के लिप्यांतरण का काम कर रहा है ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारा और उनका सांस्कृतिक ताना बाना क्या है, हमारा उनका सांस्कृतिक संबंध क्या है, कैसे हिंदू धर्म वहां पहुंचा है। यही स्थिति रशिया में है, रशिया में कई ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां मिलती है जहां पे आपको भारत का संदर्भ मिलता है। ये सारी की सारी बातें, ये सारा का सारा ज्ञान हमारी धरोहर हमें कहां से कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये काम करने के लिए हमारे पास जमीनी सेना ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि आपका होना आज ये बताता है कि कम भारत में कुछ लोग तो है अपने भविष्य के प्रति चिंतित होंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की बात करेंगे। हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, लगातार मैडम ने भी कहा हम लोगों ने बहुत मेहनत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और उसमें हमने लगातार कहा है अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में। और ज्ञान परंपरा कहां से आएगी, हमारी धरोहर से आएगी। और हमारी धरोहर से आएगी तो क्या है, धरोहर के रूप में हमने कौन सी चीज है जो अपने स्वयं की प्रेरणा से विकसित, कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हमने कहा है कि ये हमारा ज्ञान का भंडार, ये पारंपरिक ज्ञान के स्वरूप में हमारे पास आता है। सर ने अभी कितने सुंदर उदाहरण दिए, विमली सर, तो कितने लोगों ने इन सारे ग्रंथों को कभी देखा है, कभी समझा है, सामान्य लोगों की समझ में नहीं है। मैं नहीं जानता, बहुत लोग हैं जो इस बात की हंसी उड़ाते हैं कि रामायण काल में विमान था और बहुत लोग इस बात के लिए
दोष भी देते कि हम लोग मिथकों में विश्वास करते हैं, लेकिन ये तो मिथक नहीं है कि विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ था। और ये बात जब तक जन सामान्य की जानकारी में नहीं आती कि विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, तब तक आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि जिस विमान की परिकल्पना रामायण काल में हुई है वो मिथक है या वो वास्तविकता है। और अगर वो वास्तविकता है तो क्या इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि कितने वर्षों पूर्व भी भारत का विज्ञान इतना प्रगत था कि जिसने व्यक्ति के, इंसान के आकाश में उड़ने की कल्पना की थी। सिर्फ किसी बात को मिथक के रूप में खारिज कर देना बिना किसी प्रमाण के सिर्फ इसलिए संभव होता है क्योंकि हमने हमारे प्रमाणों पर कभी काम नहीं किया, प्रमाणों को खोजने की कभी चेष्टा नहीं की, प्रमाण सब उपलब्ध थे। आज सुबह मैं अपनी माँ को दिखाकर आया, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, तो अभी संदर्भ मुझे ध्यान आया कि नेत्र प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है जो पूरी की पूरी ऑप्थर्मोलॉजी आपको बताता है, और उस ऑप्थर्मोलॉजी से सारा कारा शास्त्र और विज्ञान आपको समझ में आ जाता है ऑप्थर्मोलॉजी का। और वो नेत्र प्रकाश आज से कम 1200 वर्ष पुराना ग्रंथ है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1200 वर्ष पूर्व किसी ने ऑप्थर्मोलॉजी की परिकल्पना की है। ये बताने का साहस हमें सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने हमारे प्रमाणों पर, हमारे उपलब्ध संसाधनों पर कभी विश्वास नहीं किया। तो ये समय है कि हम अपने सारे के सारे संसाधनों को खोजें, देखें और उनके बारे में जागृति पैदा करें। आप अगले 5 दिन तक ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। जब आप ब्राह्मी लिपि के बारे में और अधिक गंभीरता से सोचेंगे, अभी मैं इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सारी बातें हमारे यहाँ भी चर्चा में है, लेकिन जिस हम सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात कहते हैं और वहां पर जिस भाषा की बात कहते हैं, जिस सील के खुलने की, मतलब जिस सील के रहस्य के उद्घाटन की बात कहते हैं, अगर हम उस भाषा को भी जान लेंगे, समझ लेंगे, तो ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में भी उस वक्त लोगों के पास अपनी लिपि थी, अपनी भाषा थी जिसके माध्यम से वो संवाद करते थे। इतनी प्रगत सभ्यता भारत की थी, लेकिन हम चूंकि उसके बारे में मेहनत करके अभी तक खोज नहीं पाए हैं, इसलिए हम उसका प्रमाण नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारे पास ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये जो सारा का सारा तंत्र है, इस तंत्र में आप जैसे लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। संभवतः इस बात का एहसास आपको भी नहीं होगा क्योंकि इन सब विषयों को आपने कभी उस दृष्टि से देखा नहीं। आपको तो लगा एक कार्यशाला है, ब्राह्मी लिपि सीखने को मिलेगी, हम सीख लेंगे, नहीं सीखेंगे तो भी हमारा क्या जाता है, अंग्रेजी तो हमारे पास है ही है, हिंदी है ही है, और गूगल बाबा है ही है, कुछ नहीं होगा तो गूगल बाबा की शरण में जाएंगे, वो तो स्पेल चेक भी कर देता है तो आजकल बच्चों की स्पेलिंग भी ठीक हो जाती है। लेकिन आप समझिए कि हमारे पूर्वजों ने आज से कितने हजार वर्ष पूर्व इतना प्रगत विज्ञान हमारे सामने रख दिया था, चाहे वो शिलालेखों की बात, चाहे वो एपिग्राफ्स की बात, कितना प्रगत हमारा विज्ञान था, कैसे अशोक के शिलालेख लिखे गए, कैसे उनपे सारी जानकारी लिखी गई और कैसे वो आज तक हमारे पास है, उसकी चेतना हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अशोक के शिलालेख की भी, और कई हजार वर्ष पहले भीमबेटका के शैलाश्रयों में जिन्होंने चित्र निकाल के आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई, क्या उसकी भी रक्षा या उसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से कैसे बता दिया कि हमारे पास तब आखेट के भी दृश्य थे और कैसे हमारे पास जब उत्सव के भी दृश्य थे, प्रोसेशन के भी दृश्य थे, यानी हम उस समय कितने प्रगत एक समाज के रूप में पूरे विश्व में थे, इस बात की जानकारी हमको अभी तक नहीं होती। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम अशोक के शैलाश्रय तो देखेंगे नहीं, किसी ऐतिहासिक साइट पर जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाएंगे, क्या करेंगे, राजेश नीता बीच में दिल बना के तीर बना दे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन। यानी वहां कुछ अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ लिखा भी होगा तो वो जानकारी पढ़ने की तो हिम्मत हम में है नहीं, हाँ उसे डिस्ट्रॉय करने का उत्साह जरूर है। क्यों राजेश का नाम लिखना है,
क्यों नीता का नाम लिखना है, आप कोई सम्राट अशोक हो गए क्या कि आपसे 200 वर्ष पहले आपको कोई याद करेगा बाद में। लेकिन चूंकि हमको चेतना नहीं, हमारे अंदर वो चेतना जागृत नहीं की गई, अपने इतिहास का जो गौरव का भाव है, अपनी धरोहर के प्रति जो गौरव का भाव है, वो कभी हमें जागृत नहीं किया गया, इसलिए ये सारी समस्याएं होती। और ये सारा दायित्व आपका नहीं था, हम शिक्षकों का था। कहीं गलती हमारी रही कि हमने सिर्फ आपको विषय पढ़ाया, हमने सिर्फ आपको चार पेपर इस सेमेस्टर के और चार पेपर उस सेमेस्टर के पढ़ाए, हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि 60% आने से फर्स्ट डिवीजन आता है, 55% आने से आप डिसर्टेशन लिख सकते हो, इससे ज्यादा का हमारे अंदर भी सोच विकसित नहीं हुआ, इसलिए गलती आपकी नहीं। पर अब कहीं ना कहीं हम सब मिलकर क्या इस गलती को सुधार सकते हैं, इस बारे में सोचना। एक तरीका होता है कि हम दोष देते जाएं, हम हमारे पीछे वालों को दोष दें, आप हमको दोष दें, फिर जब आप कहीं और पहुंच जाएं तो दूसरे आपको दोष दें, और ये परंपरागत होता चला जाएगा। लेकिन ये जब परंपरागत होता चला जाएगा तो पीढ़ियों से जिन लोगों ने अपनी पांडुलिपियां बचा के रखी हैं, आपको कल्पना नहीं होगी कि कैसी परिस्थितियों में वो पांडुलिपियां लोगों ने बचा के रखी, घर में, मटकों में, अलमारियों में, छोटी छोटी संदूकों में, कुछ लोगों ने तो गड़ा के रखी हुई है। तो ऐसी पांडुलिपियों को खोज कर निकालना, उनका संरक्षण करना, उसमें पढ़ के उसका क्रिटिकल एडिशन देना, उसकी लिपियों को समझने की कोशिश करना, कितना बड़ा काम। ये आपके 250 लोगों के बूते का भी नहीं है, पता नहीं कितने लोग इसमें लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत करनी होगी। और अगर आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत शुभ शुरुआत कर रहे हैं। एक और बात बता दें, पांडुलिपि शास्त्र या अभिलेखों का शास्त्र, ये सारे जो शास्त्र हैं, ये बैकग्राउंड में रह के काम करने वाले शास्त्र, पृष्ठभूमि में रह के करने वाले शास्त्र। आजकल के जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा स्वयं से, क्या कहना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड, स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हमारी जनरेशन, हमारी मतलब आपकी नहीं, हम भी हैं। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि फेसबुक पर एक पोस्ट किया तो आपको लाइक करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे डाला है फोटो तो कितना लाइक्स आ गए इसको भी देखना चाहिए, अपना सेल्फ प्रोक्लेमेशन। अभी यहाँ बैठे आप में से बहुत लोगों ने फोटो वोटो खींच के सेल्फी डाल दी होगी, अटेंडिंग वर्कशॉप ऑन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एट मिरांडा हाउस, थाए थाए थाए, है ना। थोड़ी देर बाद बाहर जाके तुरंत देखेंगे, अरे यार 20 लाइक्स आ गए, चार ने तो कमेंट भी कर दी, कितनी बड़ी बात। ये प्रोफेशन सेल्फ ऑब्सेशन का नहीं है, ये प्रोफेशन अपने आप को इसमें डुबो देने का है, झोंक देने का है। आप कल्पना कीजिए उन लोगों की जिन्होंने रामायण और महाभारत की पांडुलिपियों का संचय करके अगर सज्जो के नहीं रखा होता तो आज हम वो रामायण और महाभारत नहीं पढ़ रहे, पर आपको उनका कहीं नाम नहीं दिखता कि इन्होंने ये सारी पांडुलिपियां आपके लिए लाई। और छोड़ दीजिए, वेदों की बात हम करते हैं तो श्रुति और स्मृति से वेद आज तक हमारे पास कैसे चले आए, किन लोगों ने उसको हमारे पास तक अस्खलित आने दिया, वो कौन वो लोग हैं जो इस परंपरा के वाहक हैं, उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन अभी हमारी क्रेडिट लाइन क्या है, 1-4 लाइन लिखते नहीं, नीचे अपना नाम सोनू जरूर लिखना चाहते, क्योंकि वो श्रेय की, नामावली की इतनी चिंता हमको है। लेकिन ये प्रोफेशन श्रेय देने वाला नहीं है आज, लेकिन यकीन मानिए कि जैसे धन्यवाद आज हम उन लोगों का दे रहे हैं जिन्होंने वेदों की अस्खलित परंपरा हमारे पास तक लाई, या जिन लोगों ने रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों को हमारे पास तक लाया, ऐसे ही आज से 200-400 वर्ष बाद जब वो पीढ़ी धन्यवाद देगी तो वो आपको धन्यवाद दे रही होगी। तो यानी आप पीढ़ियों का काम कर रहे हैं, आप तात्कालिक काम नहीं कर रहे, आप 2 मिनट की प्रसिद्धि पर विश्वास नहीं कर रहे, इट इज नॉट 2 मिनट फेम जॉब, अभी किया कल को डिलीट हो गया, ये नहीं है, ये डिलीट होने वाला काम नहीं है, ये चिरस्थाई काम। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 7 दिन की कार्यशाला सिर्फ 7 दिन की होकर ना रहे, इसमें से आप में से कुछ लोगों के जीवन का ये मिशन बने
हम सबको आपकी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा है। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, उसे रोकना होगा और उसे रोकने का काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत लंबी उम्र है ये काम करने की। तो आपकी हमको आतुरता से प्रतीक्षा है। 7 दिन की कार्यशाला सिर्फ एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसा एक मिशन है, पांडुलिपियां या अभिलेख ये सब आपके जीवन का मिशन बने और आने वाली पीढ़ी के ध्वजवाहक आप बने। इतनी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।